हेलो गाइस, वंस अगेन आज हम ये ऑयल पंप खोले हैं। कॉपलैंड कंप्रेसर है, देखिए। तो ये इसका ऑयल पंप है। मैंने इसके स्क्रू ऑलरेडी खोल दिए हैं। ये गियर टाइप है, गियर टाइप ऑयल पंप है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये इसका गियर है। ये मैं पूरी असेंबली निकाल देता हूँ। पहले ये लगता है ऐसे, फिर उसके बाद में ये बैठता है इसका, फिर उसके बाद में ये गियर बैठता है, गियर ऐसे। गियर देखिए कैसे लगाना है, इस तरफ भी है इस तरफ भी है। तो जो ये लॉक वाली साइड है ये ऊपर आएगी, और ये जो पिन है ये फिर इसके अंदर ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे बैठ जाएगा। अगर आप उल्टा लगाएंगे इसको ऐसे, तो ये बैठ तो जाएगा बट ये लॉक नहीं होगा। देखिए ऐसे लगता है, और ये क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है ऐसे। जब ये चलती है तो ये इसके साथ साथ मूव करता है और ऑयल को पंप करता है। ये इसकी वर्किंग है। ये जो ये इस देख रहे हैं ये ऑयल चार्जिंग के लिए है, ऐसे कनेक्ट हो गई है। इसके ऊपर कनेक्ट है, ये इसकी क्रैक हो गई है, ये इसका बैरिंग। ये ऐसे करके ऐसे लगेगा, ऐसे कनेक्ट होगा, उसके बाद में ये ऐसे कनेक्ट होगा। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए ऐसे कनेक्ट होगा, ये शीट आएगी इसके ऊपर, उसके बाद में इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा। अब इसको खोलने के लिए इधर दो बारी हैमर ऊपर मार सकते हैं या साइड में, ये फिर खुल जाएगा ऐसे करके। फिर इसको खोलना है। ये ऑयल सक्शन साइड है, ये देखिए ऐसे। मैं लॉक करके आपको फिर इसके हीटर के बारे में और सेंसर के बारे में बताता हूँ। अभी हम इसका ऑयल सेंसर बताएंगे। ये इसका ऑयल सेंसर है, देख लीजिए। थोड़ा इसका ऑयल सेंसर है, ये इस तरफ लगता है इधर। जैसे ट्रांसड्यूसर वगैरह होते हैं तो कॉपलैंड में ही इसका सेंसर टाइप आता है। ये लग तो रहा है सोलेनोइड की तरह बट ये सोलेनोइड नहीं है, ये सेंसर है इसका, ऑयल सेंसर। ये इसका क्रैंक हीटर, ऑयल हीटर। इसका काम ये है, जब कंप्रेसर आउट ऑफ रनिंग होता है स्टार्ट होने से पहले, तो ये ऑयल को गर्म कर देता है। जो लिक्विड ऑयल के साथ मिक्सअप होता है वो वेपर होके फिर वेपराइज हो जाता है, वेपर फॉर्म में चेंज होके फिर वेपराइज होके फिर कंप्रेस हो जाता है। इसका ऑयल हीटर है।
ओके गाइस, मैंने इसको पैक कर दिया, देख सकते हैं आप। पहले ये इसका शेल खुलता है, ये आउटर, फिर ये इसका ऑयल पम्प, फिर ये इसका हाउसिंग जो ये क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है। ये इसका चार्जिंग चार्जिंग साइड है, ये इसका ऑयल हीटर है, इसका ऑयल सेंसर है, इसका ऑयल साइड ग्लास है, इसका ऑयल चार्जिंग पोर्ट है। ये जो ये जगह दी हुई है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं इक्वलाइजिंग लाइन के लिए। अगर हमारे पास दो कंप्रेसर दोनों कनेक्ट करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं दोनों कनेक्ट करने के लिए। ओके गाइस।